चलिए आज हम बात करेंगे अडोब इलस्ट्रेटर का जो आज का हमारा टूल है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। लाइन सेगमेंट टूल के ऊपर हम बात करेंगे। लाइन सेगमेंट टूल में कौन कौन से टूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट, ठीक है, आर्क है, स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है और पोलार ग्रिड टूल है, ठीक है। इनको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन टूल के ऊपर बात करेंगे। लाइन टूल में जो है, ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है, लाइन टूल। अब देखिए यहाँ से लाइन टूल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी टूल अगर हम इसके अंदर लेते हैं, एक होता है ड्रैग करना और एक होता है क्लिक करना। अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए लाइन टूल की प्रॉपर्टी खुल जाती है कि ये आपको यहाँ से आपको बताना कि आप कितनी जो लेंथ है लाइन की वो लेना चाहते हैं, किस एंगल पर लेना चाहते हैं, फील देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ठीक है। अगर ये बाई डिफॉल्ट इन्होंने ले रखी है तो ओके करता हूँ, तो यहाँ से इतनी लाइन इस एंगल पर आ गई, ठीक है। अगर मैं यही लाइन अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैं लाइन लेना चाहता हूँ और यहाँ तक, अगर देखिए दोस्तों लाइन में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ तक मैंने लाइन ली है। अब मैं फिर से एक लाइन और लेना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्लिक नहीं करूँगा, क्लिक करके मैं इसको बटन को प्रेस करके रखूँगा। किसी भी एंगल पे आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन को आप बिल्कुल प्रेस रखिए, दबाए रखिए कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल सीधी रेखा ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब देखिए जो लाइन है वो तो हो गई आपकी, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर आपको सीधी रेखा लेनी है बिल्कुल ओरिजेंटली हो या वर्टिकली, ठीक है, तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस रखिए कीबोर्ड से, ठीक है, और तब आपकी रेखा जो है सीधी आएगी बिल्कुल। अब हम चलते हैं जो लाइन के ऊपर, देखिए यहाँ पे येलो कलर आ रहा है बाई डिफॉल्ट, यहाँ से इसने स्ट्रोक ले रखा है येलो, तो दोस्तों आप इसको कोई भी कलर देखते हैं स्ट्रोक में, ठीक है। तो फील अगर वहाँ से हम देते हैं, फील लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं आगे लाइन के ऊपर क्या क्या हम लगा सकते हैं, ठीक है। लाइन के ऊपर देखिए मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ठीक है, स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो देखिए जो लाइन सिलेक्टेड है इसी के ऊपर मैं फर्स्ट में क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका जो, ठीक है, स्ट्रोक साइज ये कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए आपको समझाने के लिए, ठीक है, 8 कर देता हूँ। कलर भी थोड़ा मैं इसका चेंज कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ से स्ट्रोक, ऐसे देखिए लाइन आपकी जो ऊपर से है कॉर्नर, बिल्कुल दोनों साइड कॉर्नर बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको चलते हैं बिल्कुल राउंड में, देखिए राउंड शेप में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके जो कॉर्नर है राउंड शेप में दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसे रखें तो। उसके बाद यहाँ पे है कॉर्नर भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक भी आप यूज कर सकते हैं, अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक लाइन आती है डैश लाइन, कि आप इसके अंदर 12 का स्पेस दे रखा है, आप यहाँ से 15 का करिए, जितना भी आप कर सकते हैं करिए, अगले जैसे अगले सेक्शन में आप एंटर करेंगे वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं देता हूँ 6, एंटर, देखिए अब फिर से हो गया। यहाँ से मैं फिर से 0 देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको 15 देता हूँ, ठीक है, देखिए फिर से वो चेंज हो गया, आप यहाँ से दीजिए, ठीक है। इसको अलग अलग आप दे सकते हैं, गैप आप 8 का रखते हैं, ठीक है, या फिर आप 18 कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप गैप दे सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे 6 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको स्ट्रोक वगैरह जो है, स्ट्रोक के अंदर काफ़ी भी सारी प्रोफाइल्स है वो चेंज कर सकते हैं इनकी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा रखना चाहिए ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे देना चाहिए डैश में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद है आप इसके ऊपर एरो, इस टाइप की एरो देना चाहें, ठीक है, और बैक में आप किसी भी टाइप का जिसका टेल है वो देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, रिवर्स भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, आप इस तरीके से भी आप ले सकते हैं इसको, इस तरीके से भी आप शॉर्ट में भी ले सकते हैं और फुल लेंथ में भी आप इसको ले सकते हैं। यूनिफॉर्म फील आप अगर इसको देना चाहें इस टाइप से भी आप दे सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो आप लाइन कमांड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लाइन टूल के ऊपर, ठीक है, जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद मैं यहाँ से एक दूसरी लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, 12, कलर थोड़ा सा मैं कुछ ही देता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरी लाइन है, आप इसको लाइन है जो, ठीक है, आप इसकी लेंथ है जो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, घटाया बढ़ा भी सकते हैं। इस लाइन पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज मैंने इधर रखा, यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल उसके अंदर था, वो भी देख सकते हैं इसी के अंदर हम चाहें तो। सॉरी, सिलेक्ट करना पड़ेगा हर बार ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ से इस टाइप में आप देना चाहें लाइन तो दे सकते हैं, अगर इसको फिल और स्ट्रोक और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप इसका स्ट्रोक यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, 80%। देखिए, एक पत्ती के रूप में आपको ये दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस टाइप से यूज़ करना चाहते हैं, काफ़ी सारे स्टाइल हैं यहाँ पे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक लीफ के टाइप में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस स्ट्रोक आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं वापिस यहाँ पे लेके आता हूँ नॉर्मल पे, ठीक। उसके बाद बेसिक्स हैं, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, ऐसे ब्रश ऐसे इस टाइप में। चलिए स्ट्रोक फिर से बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह जो है नजर आए, ठीक है, यहाँ से इस टाइप में। अगर आप इसको और देखना चाहते हैं ऐसे, या फिर आप यहाँ से ऐसे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप में भी आप इसको ले सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रश इज, ठीक है, यहाँ पे ब्रश है काफ़ी सारे, यहाँ से आप और लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं आप आर्टिस्टिक, ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे ब्रशेज हैं, आप ले सकते हैं। जैसे ब्रश आपको इस लाइन के ऊपर लगाना हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो, और दोस्तों के साथ जो मेरे चैनल ज़रूर शेयर करें।